बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आप लोगों को मैं होमियो हर्बल हर तरह की दवाइयाँ बताती हूँ। मैंने रेकी हजामा सब किया हुआ है, मैं उसके हिसाब से आप लोगों को प्रेशर पॉइंट के हिसाब से जो मरीज़ मेरे पास यहाँ पर आते हैं तो मैं उनका चेकअप करके कंसल्टेंट फ़ीस नहीं लेती, विदाउट फ़ीस के मैं चेक करती हूँ और उसके हिसाब से दवाइयाँ देती हूँ। ये जो मैं दवाइयाँ आप लोगों को बताती हूँ पैटर्न दवाइयाँ या मैं सिंगल रेमेडी जो बताती हूँ तो वो इसलिए बताती हूँ कि आप लोग अपना घर बैठे इलाज कर सकते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा दवाइयों के पैसे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फीसें हो गई हैं, तो जो बेचारे ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो मैं उन सब के लिए बताती हूँ। और ये इन दवाइयों का इतना फ़ायदा है क्योंकि ये दवाइयाँ आप लोगों को बाहर से मिल जाती हैं तो किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। फिर भी अगर कोई मरीज़ को नहीं मिलती तो वो मेरा क्लिनिक गुलशन इकबाल कराची में है और मैं सुबह 11:30 बजे से 2 बजे तक होती हूँ, तो आप लोग मुझसे इस टाइमिंग में मैसेज करके दवाइयाँ पूछ सकते हैं। आज जिस बीमारी के बारे में बताऊँगी, ये ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होती है, बच्चियों को, औरतों को, लिकोरिया की पीरियड में ख़राबी, कुछ लोगों को पीरियड बंद हो जाते हैं और सिर्फ लिकोरिया ही होता रहता है, उसकी वजह से लिकोरिया कहते हैं कि घुन की तरह लेडीज़ को खा जाता है, कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, लेकिन वो इसको एक मामूली बीमारी समझती हैं लिकोरिया को। ये जो डिस्चार्ज होता है इसकी वजह से फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा स्मेल आती है लेडीज़ में से, बहुत ज़्यादा फिर बच्चे होने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक रूटीन के हिसाब से जिस्म जो चलता रहता है, अल्लाह ताला ने जो सर्कल बनाया है हमारा पीरियड का कि पीरियड होते हैं लेडीज़ में, तो अगर वो रुक जाते हैं और लिकोरिया होने लगता है तो उससे बहुत ख्वातीन को मेरे पास इतनी ज़्यादा आती हैं इसके मर्ज़ की औरतें, लड़कियाँ, बच्चियाँ, क्योंकि आजकल जो हैं वो कुछ लिटरेचर देखने की वजह से, कुछ मोबाइल की वजह से, इसकी वजह से भी इन लड़कियों में डिस्चार्ज होने लगता है। कुछ ऐसी होती हैं कि पीरियड उनके नहीं होते तो हो जाता है, कुछ को बीमारी की वजह से होता है हड्डियाँ उनकी, फिर ये हड्डियों से जो कैल्शियम होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके लिए मैंने पहले भी हमेशा बताती रही हूँ, ड्रॉप्स भी बताती हूँ, और अगर जिस्म में आप लोगों की कमज़ोरी हो जाती है तो चाइना हम लोग बताते हैं इसके लिए, उससे लिकोरिया का भी ताल्लुक़ है। चाइना 30 में 2-2 ड्रॉप्स, एक घूट पानी जो होता है इतना सा पानी उसमें लेके अगर चाइना आपको दवाई मिल जाती है 30 में, बार बार पोटेंसी बताती हूँ, नहीं पता होती तो आप लोग फिर भी पूछ लिया करें मुझसे, मैं बताती हूँ। और एक ये दवाई आती है कैंट 10, ठीक है, लिकोरिया के लिए। ये देखें, ये सिर्फ इसलिए दिखाती हैं, कोई मुझे फ्री में नहीं मिलती हैं दवाइयाँ, ना ही इन लोगों की मैं पब्लिसिटी करती हूँ, जो दवाइयाँ मैं यहाँ इस्तेमाल करवाती हूँ वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसके लिए ये जो वीकनेस हो जाती है, कमर में दर्द हो जाता है और यूट्रस में ख़राबी हो जाती है तो ये सही हो जाती है, इसके 15-15 ड्रॉप्स 3 टाइम लेने हैं और दवाई के ऊपर लिखा हुआ भी होता है। एक आती है ये गायनो केयर, ये भी मैंने बहुत ही जनरल वीकनेस के लिए भी बहुत अच्छी है, ये देखें, लिकोरिया के लिए, जनरल वीकनेस के लिए, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है जिन लोगों की पीरियड में ख़राबी हो उनके लिए, अप एंड डाउन हो जाते हैं उनके लिए। लेकिन जिनको ये दवाइयाँ नहीं मिलती हैं वो मुझसे मैसेज में ज़रूर पूछ लिया करें, मैं आप लोगों को एड्रेस भी बता देती हूँ, मेरे पास से मिल जाती हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, और नंबर मेरा डला हुआ होता है, पिछली वीडियोज़ मेरी देखें। आप लोगों से सिर्फ लाइक शेयर इसलिए कहती हूँ ताकि आप लोग दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँगे तो आपकी बीमारियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। बावजू रहा करें, मुसलमान जितने हैं बावजू रहें, नमाज़ पढ़ें, अब तो शबरात का महीना है, आप लोग इतनी तैयारियाँ करते हैं इसके लिए, ईद के लिए, ईद की तैयारियाँ रजब शाबान से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े बनाते हैं, तो सबसे पहले बावजू रहना शुरू करेंगे आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। मैं दुआएं भी बताती हूँ, रमज़ानों में भी बताती हूँ, वैसे आम दिनों में भी बीमारी के लिए दुआएं बताती हूँ, हर चीज़ के लिए जो मेरे पास यहाँ आते हैं मैं दवा के साथ साथ दुआ भी बताती हूँ ताकि आप लोग अमल करें उस पर और सेहतमंद रहें। किसी के पास कितनी भी दौलत है लेकिन अगर सेहत नहीं है
तो सारी दौलत बेकार है, वो दौलत से सेहत नहीं खरीद सकता। आप लोग दौलत कमाने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, कपड़े अच्छे बनाने के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखें। मार्केटों में औरतें फिर रही होती हैं, उनको यही नहीं पता होता बच्चों की सेहत ख़राब हो रही है, खाने का ख्याल नहीं रखती, खाना भी अच्छे से अच्छा। और ये घर पे आई शॉपिंग करके, बाहर गई, बाहर बाहर की चीज़ें खा ली, उसके बाद गले में ख़राबी हो गई, गले दुख गए, बीमार हो गई, बुखार हो गया, आजकल इतना वायरल चल रहा है। और ये सब उनको होती हैं बीमारियाँ जो लोग ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं खाते, घर की चीज़ें साफ़ सुथरी, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। आप लोग जब सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, पानी अच्छा नहीं पिएंगे साफ़ सुथरा, मेरी मासी आती है उनके पूरे घर को मैदे की बीमारी है, इसलिए कि मैदा सबसे पहले ख़राब होता है, फिर चेहरा आप लोगों का ख़राब होता है। हमारा जो चेहरा है वो आईना होता है मैदे का, मैदा अगर ख़राब है आप लोगों का तो चेहरा भी ख़राब है, झाइयाँ दानियाँ ये सब चीज़ें, चेहरा बता देता है कि आपको कौन सी बीमारी है। जिगर की बीमारी है, ज़बान से हमें पता चल जाता है, नाखूनों से पता चल जाता है, लेकिन ये सारी बीमारियाँ एक अच्छा डॉक्टर ही बता सकता है। तो पहले, सबसे पहले ये नहीं कि अगर मैंने आपको कोई दवाई बताई है तो वो दवाई, सिम्टम्स देखें कि अगर आपको यही बीमारी है लिकोरिया की तो ये इस्तेमाल करें, फिर भी पूछ लें मुझसे, मुझे मैसेज करके पूछा करें, मुझसे कमेंट्स में लिखा करें। अच्छी दवाइयाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ, इस वजह से कि मैं दुनिया में सिर्फ, मुझे पैसा कमाने का शौक़ नहीं है, मुझे अल्लाह को राज़ी करने का शौक़ है, ये मुझसे मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, इसीलिए आप लोगों के लिए दवाइयाँ डालती हूँ। और मैं अपनी वीडियो कहती हूँ, पूरी वीडियो देखें, थोड़ी सी वीडियो देख के आप लोग दवाई का नाम लिख लेते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि मैंने ये दवाई किसको बताई है, जेंट्स को बताइए, लेडीज़ को बताइए, बच्चों को बताइए, पहले ये देखा करें। मैं बहुत शॉर्ट वीडियो इसीलिए डालती हूँ कि पूरी देख लिया करें आप लोग। और दुआओं में याद रखें, मैं हर मरीज़ को, जो मरीज़ भी मुझे कमेंट्स करता है, लाइक सब्सक्राइब करता है, मैं उसका नाम मुझे याद रहता है, मैं दुआओं में उसको याद रखती हूँ। और मेरे नज़दीक, और सबसे ज़्यादा सेहत सबसे पहले, उसके बाद हर चीज़ है। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो हर चीज़ बेकार है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो वो उससे पूछें कि उसको रातों को नींद नहीं आती। किसी को बुखार है तो उसको जिस्म में दर्द होता है, उससे नज़ला होता है, तो रात को सबसे ज़्यादा बीमारियां जो होती हैं वो रात में, इसलिए कि रात में हम लोग बिल्कुल खामोशी से सो रहा होते हैं तो नींद नहीं आती। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो सिर्फ इसीलिए, डिप्रेशन है, इतनी बीमारियाँ हैं। बावजू रहें, दुआओं में याद रखें, सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला आप लोगों को बीमारियों से महफूज रखे, दुआओं में याद रखा करें। मैं अपने हर मरीज़ को याद रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़।